अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं रिदा आसिफ और ब्लॉग बस शुरू कर रही हूँ। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है और काम कहाँ तक पहुँचा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आधा हो गया है, आधा बाकी है। और ये फोन अभी मुझे देना है, अभी रखो। फोन चाहिए नहीं थी तो फिलहाल अभी ये हाल है घर का। पेंटिंग आधी हो गई है, बेडरूम की चालू है, बस पूरे घर में न्यूज़पेपर दिख रहे हैं। जियाद अबीरा का रूम हो गया है लग और आधा सेट भी हो गया है, तो अभी बस यहाँ का सब ऐसे सब पड़ा हुआ है। और टेरेस पे तो मतलब हाल ही बुरे हैं, पूरे टेरेस मेस हुई भी है। क्योंकि अबीरा के ब्लॉग में तो आप लोग ने देख ही लिया होगा कि उन लोग ने अपना बेड पेंट किए थे। अबीरा ने की थी ज़्यादा, जियाद ने नहीं। अभी फिलहाल मैं नहीं खोल सकती, जियाद कुछ पता नहीं कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो टेरेस पे सारी चीज़ें रखी है, मेरा नया कबर्ड रखा हुआ है और मिरर भी बाहर है, सब चीज़ें ऐसी पड़ी हुई। तो बस फिर जो भी होता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी बस बेडरूम का एक और पेंट हो गया है, मैं भी आई हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट कोट है, वॉल तो वाइट नहीं लग रही है पर हमने इसके थोड़ा लाइट कर, मेरे से डबल कोट आएगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। इसमें अलग शेड मिलेगी, एक इसमें डबल कोट आएगा और ये जो है ना थोड़ा वाइट ही लग रहा है, पर वाइट नहीं है, इससे इसका लाइटर वर्क रख देगा, रात में समझ में आएगा शायद। जब ये कबर्ड आएगा यहाँ तक आएगा कबर्ड 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 लाइट ऑन करो। ज़ियाद अबीरा का रूम ऑलमोस्ट सेट हो गया है और लाइट बंद कर। हाँ बंद कर, कुछ हो गया बट अभी बहुत सारा बाकी है बहुत सारी चीजें आनी है, कुछ ये वॉल पे भी आना है। इसमें तो व्हाइट आ रहा है कलर, नहीं नहीं उधर भी व्हाइट आ रहा है, नहीं उधर नहीं आ रहा है व्हाइट, इधर ऐसे ब्लू ही आ रहा है। ये सारी चीजें बस ऐसी रख दी है, बाद में देखते हैं कौन सी चीज कहाँ रखनी है। देखा इसको भी पेंट कर दिया व्हाइट, ऊपर बहुत सारी चीज पड़ी है, उसको कहाँ पे क्या लगाना है वो सब देखेंगे। फिर मैं भी मिलती हूँ आप लोग को, अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, थक गई हूँ और अभी बज रहे हैं 9 और मैंने चाय भी नहीं पी, तो आप लोग चाय पीने के टाइम पे मिलती हूँ। बाय। मैं कल कुछ भी शूट करना भूल गई क्योंकि वो याद ही नहीं था, इतना थक गई थी। और अभी फ़िलहाल मैं भी जा रही हूँ अपना कबर्ड सेट करने और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या रखूँ, तो बस अभी ट्राई करने जा रही हूँ। ये पूरे कपड़े पड़े हैं, इसमें से कुछ कपड़े निकाल दूँगी, यहाँ ये फ्रेम्स पड़ी है, ये मेरी सारी चीज़ें, ये सबको इसमें सेट करना है। और ये टेबल पे मैंने बस ऐसे ही कुछ कुछ लगा दिया है फ्रेम्स, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी इस पर वो पेपर लगना बाकी है। तो देखते हैं, मेरा अभी कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ शुरू करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और भी कुछ और भी कुछ कुछ बाकी है, उनका हाल देखिए शुरू करूँगी तो ही तो खत्म होगा ना। कल मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना थक गई थी और फिर उसके बाद बहुत लेट भी हो गया था, तो मैंने चाय ही नहीं पी, मैं पी रात में क्योंकि मैं रिश्ते आ गई थी और
फिर हम लोग ने रात में इडली वड़ा वो सब खाए और फिर इसके बाद चाय पी और सो गए। तो ये नेक्स्ट डे है। अभी मैंने बाहर का थोड़ा बहुत जो काम था वो कर लियो, पेंट तो ऐसा कर लिया, ये पेंट के ऊपर कौन से कलर रहेंगे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी कंफ्यूज है, तो अभी जो है वही लगाएंगे। क्योंकि आज सुबह ना ये वाली जो विंडो है ये वाली, ऐसे इतनी धूप आ रही थी, इतनी धूप आ रही थी कि 7 बजे से ही आँख खुल गई थी और इतनी थकावट थी और आँख मतलब दिल था सोने का। क्या सैटरडे भी है, बच्चों की छुट्टी भी थी, लेकिन सो नहीं पाए क्योंकि पर्दे नहीं लगे और पूरी धूप अंदर आ रही थी। अभी आई थिंक बज गया 5:30 और अभी मैं जा रही हूँ अपना कबर्ड सेट करने और काफ़ी टाइम लगने वाला है इसके लिए, क्योंकि मुझको ये वाले जो मेरे ड्रॉअर की चीज़ें हैं इसको भी सब निकाल के वापस से ठीक करनी है, कुछ चीज़ें यहाँ की वहाँ लेनी है, तो टाइम लगेगा। तो बस ठीक है, मैं बीच बीच में बताती रहूँगी आपको अगर याद रहा तो, क्योंकि काम में ना भूल जा रही हूँ। मैंने आज सारे क्या बोलते हैं उसको बेडशीट और कर्टेंस और लगे कि ब्लैंकेट सब धोई मुझ, और काफ़ी धूप थी सुबह से तो मेरे को लगा था सब सूख जाएगा शाम तक, लेकिन अभी अचानक से होने लगी बारिश, तो देखो सूखना है कि नहीं। ठीक है, जिससे आप लोग से मिलती रहूँगी मैं। आज फ्री होके निकली हूँ घर से इतने दिनों बाद। अरे यार हवा छूट जाता था अभी फोन, और अभी रहा है पीछे तो बस यही था आज का ब्लॉग, और इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई, ये मैं बाद में शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे मैं शूट कर रही हूँ, तो मैंने शूट ही किया कुछ भी। तो बस यहीं तक का था, और उसके बाद घर के काम तो चल ही रहे, बाकी जो घर की अपडेट है वो मैं आपको रिसर्च शेयर करती रहूँगी। अभी फिलहाल के लिए वीडियो मैं एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।